और एक और बड़ी खबर आ रही है अपराध जगत से, और तीन अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, बेगूसराय के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि एक दूसरी बड़ी खबर, 50,000 रुपए का इनामी अपराधी गिरफ्तार हुआ है। रंजीत सहित तीन अपराधी एसटीएफ के हत्थे, यानी कि एसटीएफ बिहार एसटीएफ को एक के बाद एक सफलता मिल रही है। रंजीत समेत तीन अपराधियों को गिरफ्तार करने में एसटीएफ को सफलता मिली है। बेगूसराय के रहने वाले हैं तीनों अपराधी। बेगूसराय में मुखिया एवा की हत्या का आरोप है इन पर, और इनकी गिरफ्तारी पुलिस बिहार एसटीएफ से बड़ी सफलता मान रही है। 50,000 रुपए के इनामी अपराधी भी है रंजीत, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। साथ में तीन अपराधी भी हत्थे चढ़े हैं। हरियाणा के सिरसा जिले से एसटीएफ ने इसे गिरफ्तार किया है। एक और बड़ी कामयाबी बिहार एसटीएफ को, हरियाणा के सिरसा जिले से एसटीएफ ने रंजीत सहित तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से जुड़ चुके हैं मनोज नारायण सिंह, जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। मनोज जी, इस खबर की जानकारी चाहेंगे आपसे कि इसे कितनी बड़ी सफलता मानी जाए, क्योंकि लगातार बिहार एसटीएफ को इन अपराधियों के गिरफ्तार होने में सफलता मिल रही है। देखिए मंजू, 2020 में बेगूसराय जिला के समसा पंचायत की मुखिया हेमा मौर्य की हत्या हुई थी, और इस हत्या में संलिप्त था कुख्यात अपराधी और रंजीत महतो, और इस पर 50,000 का इनाम भी, जब इसकी बरामदगी नहीं हो पा रही थी, जब ये पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा था, तो वैसी स्थिति में इस पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। आखिर इसको एसटीएफ ने धर दबोचा है, और ये हरियाणा राज्य के सिरसा जिला के सदर थाना क्षेत्र से में छापेमारी कर एसटीएफ ने इसको गिरफ्तार किया है। और ये अकेला नहीं, रंजीत महतो अपने दो सहयोगियों के साथ में गिरफ्तार हुआ है, जिसका नाम पंकज उर्फ रोहित महतो है और राजेश कुमार है। ये तीनों समसा गांव के ही रहने वाले हैं बेगूसराय के, और इन तीनों को एसटीएफ ने हरियाणा जाकर के हरियाणा जिला के में ये सिरसा जिला के थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किया है। तो ये जाहिर सी बात है कि एसटीएफ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है कि जो 50,000 का इनामी अपराधी है उसको हरियाणा में जाकर के एसटीएफ ने धर दबोचा है। मंजू जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका मनोज नारायण सिंह। तो आपको बता दें कि एक और बड़ी सफलता एसटीएफ को मिली है। हरियाणा के सिरसा जिला से बिहार एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है 50,000 के इनामी रंजीत समेत तीन अपराधियों को, जिन पर कई लोगों के हत्या का आरोप है, जिनमें मुख्यतः बेगूसराय के मुखिया हेमा की हत्या का आरोप लगा है। बेगूसराय के रहने वाले हैं तीनों अपराधी। We'll be right back.